धान खरीदी को लेकर विपक्षी नेताओं के आरोपों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई द्वारा बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्य समिति सदस्य व जिला प्रभारी लालजी चंद्रवंशी व जिला अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश भर की स्थिति की जानकारी दी। जिला प्रभारी चंद्रवंशी ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष द्वारा प्रदेश के किसानों में अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर तरीके से धान खरीदी हो रही है। प्रेस वार्ता में महापौर व विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया, सीजू एंथोनी सहित बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लालजी चंद्रवंशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी में व्यवधान उत्पन्न करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार FCI के माध्यम से धान का पर्याप्त उठाव नहीं कर रही, जिससे समितियों के पास धान जाम हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुल में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब कह रही है केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीदेंगे। केंद्र सरकार बारदानों की व्यवस्था भी नहीं कर रही, जिससे खरीदी पर असर पड़ रहा है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नकद राशि से बारदानों की खरीदी कर धान खरीदी की व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। प्रदेश में सभी जिलों में क्रमानुसार धान खरीदी जा रही है। चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत पहले छोटे किसानों का धान खरीदा जा रहा है, इसके बाद बड़े किसानों का धान खरीदा जाएगा। चंद्रवंशी ने बताया कि 5 जनवरी तक प्रदेश में 57,37,000 मीट्रिक धान खरीदी जा चुकी है। अब तक राज्य के 14,51,206 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। राज्य के मिलरों को 17,60,295 मीट्रिक टन धान का DO जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलरों द्वारा अब तक 14,75,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने प्रदेश के 9 भाजपा सांसदों व 2 राज्यसभा सांसदों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सभी सांसद केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे। पिछले दिनों प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी ने छत्तीसगढ़ के लिए 9,000 करोड़ रुपए जारी किए जाने का झूठा दुष्प्रचार किया था, जबकि सरकार से अभी तक कोई ऐसी राशि नहीं मिली। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस प्रकार का झूठ फैलाकर भाजपा की प्रदेश प्रभारी क्या साबित करना चाहती हैं। वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर भी निशाना साधा गया। इस मौके पर आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार के तीनों कानून किसान विरोधी हैं। इन कानूनों से किसानों को न तो MSP की गारंटी मिलेगी और न ही उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी। कृषि कानून में मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी, जिससे MSP नहीं मिलेगी। वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन का सौदा तय है। एक समय ऐसा आएगा जब किसानों के पास अपनी जमीन बेचने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाएगा। वही आवश्यक वस्तु अधिनियम से अवैध भंडारण को भी आजादी मिलेगी। महसूस हुई आप लोग को इस वार्ता की आवश्यकता, इसलिए महसूस हुई कि हमारे विरोधी लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे थे कि जो किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता की जानकारी के लिए हम लोगों को इस वार्ता करना पड़ा है कि किस तरह धान में थोड़ा बहुत देरी हुआ, इसमें किस केंद्र सरकार का क्या अड़ंगा लगाया जा रहा है, चाहे बोरे का हो, पैसे का हो, FCI से माल खरीदने नहीं खरीदने का है, इसके कारण हमको जान रहा है। लेकिन सेंट्रल पुल का तो ले रहे हैं, सेंट्रल पुल का मार 28 लाख क्विंटल का दिए हैं, 60,000 क्विंटल का कमिटमेंट था, 28,000 का भी सीख रहे तो क्या आपकी क्या मानना है, किस तरह से धान खरीदी संचालित किया जा रहा है? धान खरीदी तो संचालित हो रहा है, मतलब अथाओं के बाद भी धान खरीदी में कहीं कोई कमी नहीं हुआ, चाहे बुरा जो कमी हुआ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्लास्टिक का पूरा सोसाइटियों से सेवा सरकारी समितियों से राइस मिलों से दौरा लेकर हम लोग धान खरीदा जा रहा है। अनेक केंद्रों में तो बंद की नौबत आ गई है, उठाऊ माल उठाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चावल कई लोग लोगों ने दिए थे, माल नहीं ले जा रहा था। ये एक पुल है सेवा सहकारी समिति से राइस मिलों में माल आता है, राइस मिल FCI में चावल जाता है, तब जगह बनता है। FCI वाले चावल ही नहीं ले रहे थे, जगह की तकलीफ थी, लेकिन दो तीन दिन से व्यवस्था में सुधार आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।